राज्य के दर्जे को बहाल कराने का है, जिसके तहत केंद्र की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को बिना जम्मू कश्मीर के लोगों के सहमति के तोड़ दिया गया और आज जम्मू कश्मीर के आम आवाम जो है वो प्रताड़ित है केंद्र की फौजी राज से जिस तरीके से लागू किया गया। पिछले 30 वर्षों से हम ये फौजी राज झेलते आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे जो है वो लोकतंत्र को हनन करने का काम किया, जिस तरीके से इधर लोकतंत्र व्यवस्थाएं पूरी तरह से चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकाम हुई स्टेट के अंदर और फिर राज्य में जो है वो फौजी कानून लगा दिया गया। हम इस फौजी कानून के विरोध में हैं और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का यहाँ पे बहाली हो और लोकतंत्र के अंदर लोगों का अधिकार है कि वो अपने नुमाइंदों को चुने और आगे का कानून जो है वो लोकतंत्र के तहत जिस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के अधिकारों का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उसको चाहिए कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार यहाँ पे जो है वो 370 को तो सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करे चुनावों से पहले। कांग्रेस की अध्यक्षता में, गुलाम नबी आजाद साहब की अध्यक्षता में, ठाकुर जयसिंह जी की अध्यक्षता में, ताराचंद की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और डिमांड करती है कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, जो डोगरा विरासत है उसको बहाल किया जाए। जिस प्रकार 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू शहर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर विकास ही विकास नजर आएगा और नौकरियां ही नौकरियां नजर आएंगी, आज जम्मू शहर जो हमारा मंदिरों का शहर है वो वाइन शॉप का शहर बन चुका है। आज जम्मू शहर, आज जो मंदिरों का शहर है वो माइनिंग माफिया का शहर बन चुका है। आज डोगरा विरासत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की यह डिमांड है कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द से जल्द वापस किया जाए और यहाँ पे चुनाव कराया जाए।